हेलो फ्रेंड्स, तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट शॉर्ट जनरल बेयरिंग। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन देखेंगे और एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो एल बाई टी रेशियो इसमें क्या होता है, लेस देन वन, मैंने पहले बता दिया इनफाइनाइट शॉर्ट जनरल बेयरिंग है। ठीक है, अगर वो लॉन्ग होगी तो ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, तो कैसे डेरिवेशन करना है, ये क्या रेनॉल्ड्स इक्वेशन इसका हमें यूज़ करना है। ओके, ये है रेनॉल्ड्स इक्वेशन। ठीक है, अब करना क्या है आपको, जो इनफाइनाइट शॉर्ट जनरल बेयरिंग में क्या होता है, जो डेल पी बाय डेल एक्स होता है, मींस ये वाली जो टर्म्स होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो आप इसको जीरो पुट कीजिए तो इक्वेशन आ जाएगी ये। ओके, फिर आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन। ओके, एच क्यू इज कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर लेके आएंगे और इसका डेल स्क्वायर पी हो जाएगा जब इसको अंदर लेकर के जाएंगे। और इसको दो बार इंटीग्रेशन करना है, तो दो बार इंटीग्रेशन करेंगे तो दो कॉन्स्टेंट आएंगे, सी वन एंड सी टू। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, जब सी वन सी टू निकालना है तो बाउंड्री कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो बाउंड्री कंडीशन में क्या है, जैसे कि ये शॉर्ट बेयरिंग है, ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन ये यूज़ करनी है। ठीक है, जब जेड की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एल बाई टू, इसको माइनस ले सकते हैं और इसको प्लस, ये क्या है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन करा हुआ है। ठीक है, कर्व, तो जेड की वैल्यू जब प्लस या फिर प्लस एल बाई टू या फिर माइनस एल बाई टू, उस समय क्या होता है, पी की वैल्यू जीरो। जेड की वैल्यू जब जीरो है वहाँ पर क्या है, डेल पी बाई डेल जेड, मतलब इस वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, वो क्या, जीरो। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन आप यूज़ कीजिए, इसमें पुट कीजिए और जो फाइनल जो इक्वेशन आएगी आफ्टर पुट करने के बाद, ये आएगी, ये क्या है, आपकी प्रेशर की इक्वेशन है। ठीक है ना, फिर आपको क्या करना है बेसिकली, और भी अगर इससे पहले एक ग्राफ, ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो फिगर है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो होता है इसको जनरल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बाहर वाली को बेयरिंग। ठीक है, इसके ये एसेंट्रिसिटी होती है, ये सब मैंने बता रखा है, ये जो डिस्टेंस होती है दो सेंटर के बीच की, इसमें फाई क्या एंगल है और डब्ल्यू क्या अप्लाइड लोड है और ये क्या है थीटा। ये बेसिकली थीटा किससे बना है, लाइन ऑफ सेंटर जो होती है, ये दोनों इन दोनों से पास होती है सेंटर से, और ये क्या है, किसी भी टाइम पे एच की वैल्यू। ठीक है, ओके, फाई बेसिकली क्या एटीट्यूड एंगल है। ओके, ये क्या है थीटा। ठीक है, और ये एच क्या है, किसी भी टाइम या फिर उस पर ले रखा है। ठीक है, एच उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये थीटा है। तो अब आपको करना है क्या, एच इज इक्वल टू सी वन, जो क्या रेडियल क्लियरेंस, एच वन को, एच को लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में, सी वन इंटू में वन प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, ओके, तो एक्स इज इक्वल टू आर इंटू में थीटा होता है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला था ना, ये इसमें क्या डी एच अपॉन डी एक्स की टर्म को आपको हटाना है। तो आपको क्या करना है, h का रिलेशन c1, ये वाला h का रिलेशन है और ये क्या x का रिलेशन, जो क्या r इंटू में थीटा। तो आपको डी एच बाई डी एक्स, डी एच बाई डी थीटा करना है, तो आप ये इक्वेशन आएगी, डी एक्स बाई डी थीटा करना है r आएगा। आपको क्या चाहिए, डी एच अपॉन डी एक्स, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो डी एच बाई डी एक्स आ गया ये। ओके, इसको किस में पुट करना है, इक्वेशन फोर में। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन आएगी ये। ठीक है, ये क्या है आपकी प्रेशर की इक्वेशन। फिर दूसरा क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी में डब्ल्यू एक्स या फिर डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू एक्स जब आप करोगे तो डब्ल्यू इंटू में कॉस फाई। ठीक है, और ये क्या है, बेसिकली ये कंडीशन है हाफ समर फील्ड की, तो डब्ल्यू कॉस फाई को हम इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, जीरो से पाई, और ये पी आर डी थीटा डी जेड कॉस थीटा। ओके, तो इंटीग्रेशन करने के बाद डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आएगी ये, ऐसे ही सिमिलरली डब्ल्यू वाई की वैल्यू आ सकती है डब्ल्यू इंटू में साइन फाई। ये दोबारा से वो कंडीशन अप्लाई करेंगे, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, जीरो से पाई। इक्वेशन में आप पुट कीजिए पी आर, पी की जगह आप जो फॉर्मूला है जो अभी अभी हमने निकाला है उसको आप पुट कीजिए और इंटीग्रेशन करोगे, फाइनल इक्वेशन आएगी डब्ल्यू वाई की ये। सो नेट डब्ल्यू विच इज़ लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई, इसमें आप पुट कीजिए डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू वाई, तो फाइनल इक्वेशन ये आएगी। ठीक है, ये है लोड कैरिंग कैपेसिटी। फिर तीसरे पे आते हैं हम, इसका नाम है एटीट्यूड एंगल फाई विच इज़ टेन इनवर्स माइनस डब्ल्यू वाई बाई, अब आपको डब्ल्यू वाई की वैल्यू पता है, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू पता है, सिंपल पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एटीट्यूड एंगल। फिर है फ्लो रेट, फ्लो रेट क्या होता है, जीरो से पाई क्यू जेड आर डी थीटा, क्यू जेड की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो ये है क्यू जेड, इसको यहाँ पर पुट कीजिए, जीरो से पाई लिमिट पुट करना है आपको, फाइनल इक्वेशन आएगी ये यू सी वन ई इंटू एल। ओके, क्यू एस की वैल्यू जो कि क्या है, फ्लो रेट, और फ्रिक्शनल फोर्स उसका फॉर्मूला क्या है, जीरो से टू पाई म्यू यू एच एल आर डी थीटा। तो इसका जब आप सॉल्यूशन पुट करोगे तो ये फाइनल सॉल्यूशन आपका ये आएगा। ओके, अब इस पे देखो, ये सभी फॉर्मूले से, फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्मूले, फ्लो रेट के फॉर्मूले, फाई का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में कैसे आप सॉल्व करोगे, मैंने क्वेश्चन लिख रहा, फॉलोइंग डाटा रिफर्स टू शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट जनरल बेयरिंग के लिए हम लेंगे,
हैविंग रेडियल लोड, आपको लोड की वैल्यू गिवन है, स्पीड गिवन है, जनरल स्पीड एल बाई डी रेशियो गिवन है, एसेंट्रिसिटी रेशियो गिवन है, रेडियस रेडियल क्लियरेंस रेशियो इज 0.002 इंटू में जनरल ऑफ रेडियस, फ्लो रेट ये गिवन है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, एटीट्यूड एंगल, रेडियल क्लियरेंस, डायमेंशन ऑफ बेयरिंग, मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब निकालने। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, गिवन जो जो है वो आप लिख लीजिए, डब्ल्यू गिवन है, एन गिवन है, एल बाई डी रेशियो गिवन है, ई गिवन है, एसेंट्रिसिटी रेशियो, सी वन क्लियरेंस, रेडियल क्लियरेंस गिवन है, क्यू एस भी गिवन है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्यू एस क्या लीटर पर आवर में गिवन है, तो हमें क्या करना है, मिलीमीटर क्यू अपॉन सेकेंड, तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। ओके तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्पीड को सबसे पहले निकालते हैं, स्पीड क्या होता है, पाई डी एन बाई 60। सो पाई डी की जगह हमें नहीं पता, डी बेसिकली जनरल ऑफ डायमीटर है जनरल का, ठीक है। एन हमें गिवन है और डिवाइड बाई 60, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, एमएम पर सेकंड में आया। ओके यू की वैल्यू इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में मान सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, क्यू एस भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला होता है यू सी वन ई इंटू एल, मैंने अभी बताया था ये जो फॉर्मूला है क्यू एस का। ओके तो सिंपली आपको U गिवन है तो उसको पुट कीजिए, C1 आपको गिवन है, E भी गिवन है, L भी गिवन है, तो यहाँ से आपका सभी D की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो आया हमारा 30 mm। दूसरा अगर D आ गया तो L बाई डी गिवन है तो उससे L की वैल्यू आ जाएगी, C1 भी गिवन है क्लियरेंस रीडेज क्लियरेंस तो उससे आपकी C1 की वैल्यू आ जाएगी, और C1 जब आपको गिवन है तो H इज इक्वल टू क्या होता है, सी वन वन प्लस ई कॉस थीटा। जब आप थीटा की वैल्यू 180 पुट करते हो ना तो वो क्या होता है, मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस, ठीक है। तो आप थीटा पुट कीजिए, सी वन इंटू वन माइनस सी वन आएगा, तो यहाँ पर आप सी वन गिवन है और ई वी गिवन है, तो सिंपली आप एच नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। स्पीड की वैल्यू भी निकल सकती है क्योंकि हमें डी निकल चुका है वो चीज़ 30 mm, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यू। ऐसे ही डब्ल्यू, डब्ल्यू का फॉर्मूला भी अभी हमने ड्राइव करा था, तो इसमें सिंपली पुट करना है, डब्ल्यू तो आपको गिवन है, ठीक है, लोड गिवन है, तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, म्यू की, ये जो म्यू है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जो आ रही है ये, ठीक है। और लास्ट में आपको फ्रिक्शनल फोर्स उसका भी फॉर्मूला गिवन था, उसमें आप सिंपली पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू। तो सभी फॉर्मूले, फ्रिक्शनल फोर्स एंड फ्लो रेट, एटीट्यूड एंगल, ये सब कुछ आप निकाल सकते हो, बस आपको टर्म्स पता होना चाहिए किसका क्या मीनिंग होता है, और डेरिवेशन पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे इसका डेरिवेशन करना है। ओके तो आज हमने केस के बारे में पढ़ा था, इनफाइनाइट शॉर्ट जनरल बेयरिंग, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है इसका डेरिवेशन। ओके थैंक यू वेरी मच।